का जो चीज मिली जो डेढ़ महीने में पूरी होगी और पूरा का पूरा समय अशोक तंवर जी को हटाने पर भी दाय दल का नेता बनाने पर लगा दिया। एक आध बार सोच कर अलका गड्डी साफला कलोई हल्के में भी आ जाना चाहिए था, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। जब 2000 का इलेक्शन था 2009 का अपना नंबर पड़ा था, पहले गांव में फार्म भरन बढ़ाऊंगा एक बार हमने गांव में बुला दिया। 2014 में बोला गांव में आ गया आंडूंगा नहीं, हमने गली गली चौकट चौकट अंडा दिया। अरे तो सारे के सारे एक के बाद फैला गए हैं, गली में भी अंडे चौकट में भी जावे हैं। अरे ये बहादुर जनता चौकट पर ना करगड़वा लेगी लेकिन पर्ची नहीं देगी है क्या नहीं, क्योंकि काम में नहीं करे 10 साल तक घोटाले घपले और 5 साल इन झूठी बातों पर संघर्ष करते रहे। क्या किसी और को अधिकार नहीं है कांग्रेस में? क्या अशोक तंवर जी अध्यक्ष नहीं बन सकते? बार बार उनको नीचा दिखाने का काम किया, पिटाई करवाने का काम किया। और मारे रख वीर का ध्यान जी बहुत बड़े नेता जो आड़े रेलनी थी पिछली 18 तारीख ने कांग्रेस छोड़ूंगा ठीक है नहीं थी, सारी पृष्ठभूमि तैयार कर ली जितनी कावे थी, 8-9 विधायक नाट गए उल्टा बैठ गया, बोले आ जाओ कांग्रेस ना छोड़ू पर ऐसा जुलम बैठा यो बोलिया स्टेज बनती है और क्यों बोलिया तो प्रोफेसर वीरेंद्र दोनों बाबू बेटा ने लिख के दिया आगरा के बोलना है, उन्हें लिख कर दिया कांग्रेस छोड़ दी तो ये बोलने हैं। कांग्रेस छोड़ी नहीं फिर भी वह बात कह दी कि आपके बीच में तन मन और पार्टी सभी से बंधन मुक्त होके आया। वह कांग्रेस कौन आ रही पाछे ठीक ने कुर्ता पकड़ा ये कांग्रेस छोड़ी ना है, बोले रह रही है कई बार, बोले लिखे उड़ने भूल जा। फिर कहने लग गया 4 मुख्यमंत्री बढ़ाऊंगा 5000 पेंशन दूंगा। मेरा कहने का अभिप्राय ये है बोखड़ा गए घबरा गए उल्टे उल्टे हट गए। उसका मोटा सा कारण ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी इनकी नियत नीति कार्यशैली पारदर्शिता ईमानदारी लोकसभा के इलेक्शन में हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी पहुंच चुके हैं, सभी से प्रार्थना करूंगा साथ में जिला अध्यक्ष अजय बंसल जी है सभी तालियां बजा के स्वागत करें हमारे नेताओं का। हमारे बीच में ताली बजाओ भाई सारे। रोहतक नगर निगम से पार्षद भाई जय भगवान पहुंचे हैं साथ में राम जेसवाल जी, और अगर मैं गलती पे ना हो तो रामू भी जरूर पाओगा। भाई परवीन गोस्वामी जी आ गए हैं इनका भी स्वागत है, पप्पन गोलिया जी आ गए हैं इनका भी स्वागत है कि ये भी पार्षद है। और सापला पालिका के पूर्व में रहे चेयरमैन छोटे भाई सुन जी भी आपके बीच में आ गए हैं, सभी भाइयों का ताली बजा के स्वागत करें। भाई रणवीर पहलवान बोर्ड से हमारे बड़े भाइयों भी आपके बीच में पहुंचे, श्री सुशील शर्मा जी
पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अपने बीच में आए, इनका भी स्वागत है। श्री चंद्र भानत्री जी भालोट से, श्री हरीश जी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हुए, भी आपके बीच में पहुंचे। पूरी की पूरी टीम आपके मध्य पहुंची है। रामनिवास जतोड़ जी भी पहुंचे। मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा। भाई और भी बाजते आने लाग रेट ठग्या मामला यो तो एक बात और बताऊंगा, बाकी तो आपने सारा दे रहा है। आज उन्हें नॉमिनेशन भी करना था हड़े, पर मन तो ऐसा लग गए आपका जुगाड़ देख के मेरे ख्याल काल की सोच गए। सोच गए कि नहीं सोच गए? आगे भी आए सोचते रहेंगे, चिंता ना करो। मैं और ज्यादा ना कुछ कहता हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश से हमारे वरिष्ठ नेता आए हुए हैं। भाई मुनीश ग्रोवर जी आगे हैं, एक पीछे युवाओं की टीम, शकुंतला भारद्वाज महिला नेत्री जी भी आ चुकी है, ये पीछे यू तो भाई मन मानस देख के तो ऐसा लागे तीन चार घंटे और चलाना पड़ेगा। आ जाओ भाई आ जाओ, तौड़े बैठो। मेरी सभी से प्रार्थना हाथ जोड़ के कि जब तक हमारे नेतागण यहां की कार्रवाई पूरी ना कर ले, कोई भी साथी मिल जाएगा उसके पीछे कारण है कि हमने क्योंकि रैली खत्म होती उठ के चाल पड़ा करें, पैदल चलकर यहां से और तहसील में पहुंच रहा है जलूस के रूप में, और वहां जाकर नामांकन पत्र दाखिल करना है। तो सारे आगे नेतागण चलेंगे और पीछे सारे भाई आपा चलेंगे, आराम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हुए। मैं दोबारा से यही प्रार्थना करूंगा कि पांच साल के बाद ये समय आता है, छोटी सी गलती, भाई वीरेंद्र जी आगे हैं अपनी टीम के साथ, राजेश भी हैं, ये सारे भाई पहले ही कह रहे थे कि महाराज देखियो चलवा वहां पर बहुत मजबूत और सशक्त साथी, सभी साथियों का स्वागत है। भाई पवन रिठाड़वी के साथ हैं, महावीर वशिष्ठ जी भालक से भी आए, एडवोकेट मनोहत्री जी भी हमारे बीच में मौजूद है, ये गोड़ मटोड़ा मेरे दौरे ही खड़े हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि हमने समय का सदुपयोग करना है। दुनिया चांद पे जाली, एक पद दो काज पहले होया करते, एक पद तीन चार काज बिना गुजारा नहीं है। जब ये नॉमिनेशन हो जाएगा, जिसकी रिश्तेदारी यारे प्यारे हैं, उन सब के पास पहुंचना है, उन सब के पास जाना है, और रात भी अपनी दिन भी अपना, भाई 20 तारीख ताई सोना नहीं, किस डाटते सोना है वोट गिर के, या चीज ध्यान में रख के जो भी कार्यक्रम होंगे, दफ्तर एक सांपला में खोल दिया गया है, इधर के साथी वहां के कांटेक्ट कर ले, महाजन धर्मशाला में और कलोई मंडल का भोर गांव में खोल दिया है, सांगी का चिड़ी में और जसैया का जसैया में और मेन ऑफिस रोहतक में टेलीफोन पे सारी सुविधा, सारा सामान, हर चीज अवेलेबल होगी। पार्टी संगठन इलेक्शन लड़ेगा, हमने उनके आदेशानुसार सारी की सारी कार्रवाई करनी है। समय बहुत कम है, आज 3 तारीख चली गई, तो हमने विधिवत रूप से सारा काम करना है, और अब बिल्कुल आराम से चल के नारेबाजी करते हुए नामांकन पत्र दाखिल करना है। दोबारा से मैं सभी नेतागणों का और जितने ये मेरे भाई माताएं बहने नौजवान पहुंचे हैं, इनका भी यहाँ पर पहुंचने पर हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और एक
चार स्तंभ होते हैं, सबसे मजबूत स्तंभ मेरे सामने ये पत्रकार, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी है, इनका भी हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने हमारी बात सुनी, कोई गलत शब्द निकल गया हो तो माफी चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश नंदा जी का हमारे बीच में पहुंचे, हमारे पार्षद भाई, युवा नेता राहुल केसवाल जी, गांधा से सरपंच भाई सोनू जी। अब मैं इस कड़ी में निवेदन करूंगा, मेरे जिला के बहुत ही ओजस्वी जिला अध्यक्ष भाई अजय बंसल जी से, वो दो मिनट के लिए आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भाई अजय बंसल जी, भारत माता की, हमारे बीच में रमेश अत्री जी है, संजय चेयरमैन जी है, भाई अजय प्रवीण भुस्कारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता कमल हल्के से भाई आपको पहुंचे, बहुत बहुत भारतीय अभिनंदन और स्वागत। पुराना से भाई संदीप सरपंच जी, उनका भी आप पहुंचे तो आर्थिक अभिनंदन और स्वागत है भाई का। सुरेंद्र सरपंच से